हाय गाइस, दिस इज हॉनेस्ट रिव्यू। और मैंने देख ली है फाइनली द मच अवेटेड मूवी अजित कुमार स्टार वाली माय द पावर। और मैं इस फिल्म को क्या डिस्क्राइब करूं यार, मतलब क्या गूज़बम्स आए इस फिल्म को देखने के बाद। मतलब कितने टाइम के बाद थिएटर्स में, सिनेमा हॉल्स में त्योहार जैसा माहौल मिल रहा है, पब्लिक पागल हो गई थी। सुबह सुबह का शो देखा मैंने, 5 बजे देखा, और मतलब जो चारों तरफ नजारा था क्या था। और व्हाट अ फिल्म यार, मतलब एक्शन सीन जबरदस्त है। और अजित कुमार, अजित साहब की जो एंट्री है फिल्म में, मतलब जहां पे गूंज खड़े हुए हैं, बारिश हो रही है, वो ट्रक के ऊपर से आते हैं, और वो जो पीछे से लाइटिंग इफेक्ट पड़ता है जिसमें अजित साहब की शक्ल दिखती है उसमें, मतलब जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उनकी, जब उनकी शक्ल सबसे पहले स्क्रीन पे आती है तो जो रिएक्शन था पब्लिक का, अमेजिंग यार, अमेजिंग, मतलब क्रेजी रिएक्शन था। और बात करूं फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस की, यार जो बाइक चेजिंग सीक्वेंस है बहुत ही जबरदस्त फिल्म आ गया है। ट्रेलर में हमें यह बताया गया था कि ये इंडिया की अब तक की बेस्ट एक्शन फिल्म होने वाली है। मैं कहता हूं कि वाकई में ये सच बोला गया था। बोनी कपूर साहब ने, जो इसके प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छी जगह पैसा लगाया है। और वाकई में दिस फिल्म इज अ पैसा वसूल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब कोविड के बाद या पुष्पा के बाद आप कहो, या पुष्पा एक अच्छी मूवी थी लेकिन इसका जनर जो जोनर है थोड़ा सा अलग है, जेनर थोड़ा अलग है, उसके बावजूद भी ये फिल्म आपको बांधे रखती है। और अजित कुमार जो की एंट्री है या कोई भी एक्शन सीक्वेंस हो, अमेजिंग यार, अमेजिंग। अगर मैं बात करूं बाकी सब कैरेक्टर्स की, तो सभी का काम बहुत ही बेहतरीन है। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, आपको बांधे रखती है पूरी फिल्म शुरू से लेकर एंड तक, कहीं भी आपको बोरियत नहीं आती। इवन जो पोस्ट इंटरवल जो सीन है एक्शन सीक्वेंस है, बहुत ही जबरदस्त है। सो ऑल ओवर इट्स अ मसाला पैकेज एंटरटेनर फ्रॉम अजित कुमार अगेन। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये फिल्म जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ओवरसीज। अब ये देखना रहता है कि ये फिल्म कहां तक पहुंचती है, क्या ये पुष्पा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है या पुष्पा से पीछे रह जाती है। सो अकॉर्डिंग टू मी यार, मैं जा रहा हूं उस फिल्म को 5 से 6, 7, 8, 9, 10, तुम्हें जितना लेना उतना ले लो। लेकिन जो फिल्म देखेंगे, मतलब ये फिल्म देखने के बाद जो आपको गूज़बम्स मिलेंगे ना, अमेजिंग, टेरिफिक, मार्वलस, क्रेजी। सो गाइस, इफ यू हैव वॉच्ड वाली माय द पावर फर्स्ट डे फर्स्ट शो, डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन कि तुम्हें फिल्म कैसी लगी, तुम्हारा रिव्यू क्या है। और अगर नहीं है तो जाके देखो, हिंदी में भी अवेलेबल है ये फिल्म, तमिल में भी अवेलेबल है, तेलुगु में तो अवेलेबल है ही है। और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करो यार, क्योंकि न्यू वीडियोज आर ऑन द वे। सो प्लीज, थैंक यू सो मच।